इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 33 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 287 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 253 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ये टूर्नामेंट में छठी हार है। इंग्लैंड ने 7 मुकाबले खेले हैं और टीम को सिर्फ एक में ही जीत हासिल हुई है। इस वजह से सेमीफाइनल की रेस से इंग्लैंड अब बाहर हो गया है। पाकिस्तान ने बारिश से बाधित मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 21 रनों से हरा दिया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 402 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 25.3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए, लेकिन फिर बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका और पाकिस्तान के नाम ये मैच हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 401 रन बनाए। ये वर्ल्ड कप इतिहास में किसी टीम का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम भी बनी है। इससे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन ठोके थे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सचिव मोहन डिसिल्वा ने भारत में वनडे वर्ल्ड कप में अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। लंकाई टीम को गुरुवार को मुंबई में भारत ने 302 रनों के बड़े अंतर से हराया था, जिसके बाद टीम सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम महज 55 रनों पर ऑल आउट हो गई। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 95 रनों की पारी खेली। उन्होंने कीवी टीम के लिए वर्ल्ड कप में अब तक 25 मुकाबलों में 63.76 के औसत से 1084 रन बनाए हैं। विलियमसन ने स्टीफन फ्लेमिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 33 मुकाबलों में 35.83 के औसत से 1075 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद कीवी कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके लिए बहुत कुछ बाकी है। आज सब कुछ इतना अच्छा चलने के बाद ये रिजल्ट होना निराशाजनक है। उन्होंने आगे बढ़ने और अपनी अगली चुनौती पर ध्यान देने की बात कही। केन विलियमसन इस हार से भी कुछ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और कुछ सबक सीखने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से 2 दिन पहले रविवार को मुंबई में वर्ल्ड कप टीम के साथ फिर से जुड़ेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये जानकारी साझा की है। मिचेल मार्श शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल सके थे। वे अपनी दादी के निधन के कारण कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। मार्श ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक इस वर्ल्ड कप में बल्ले से 6 पारियों में 37.50 के औसत से 225 रन बनाए हैं। भारत के खिलाफ मैच से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा है कि इस समय टूर्नामेंट में दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं। क्या आप भारत के हारने पर भी चोकिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे? सवाल ये है कि मैच के दिन कौन सी टीम बेहतर खेल दिखाती है। इस वर्ल्ड कप में हम कई मैचों में दबाव में थे, लेकिन उनका सामना करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। मैंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में चोकिंग शब्द नहीं सुना है। जिम्बाब्वे को नामीबिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-2 से हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद जिम्बाब्वे का टी20 टीम का कप्तान सिकंदर रजा को बना दिया गया है। उन्होंने क्रेग इरविन की जगह कप्तानी संभाली है। क्रेग इरविन टेस्ट और वनडे के कप्तान बने रहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने 7 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 7 मुकाबले खेले हैं और उसे 6 मुकाबलों में जीत मिली है। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। दोनों टीमों के पास स्टार खिलाड़ियों की फौज है, जो चंद गेंदों में मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं।